हेलो, वेलकम टू एकता होम फूड्स। भाई आज ना हमने बहुत सिंपल सी चीज बनाई है। हमने बनाया सूप, जो कि बहुत बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको पसंद होता है। और ये मैंने बनाया है बिल्कुल फ्रेश भुट्टे से, फ्रेश मक्की, फ्रेश कॉर्न जो होता है उससे। एक भुट्टे से हमने दो बोल जो है बढ़िया सा सूप बनाया है। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है भाई, तो जल्दी से कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी जो भी नई नई रेसिपीज मैं बनाती हूँ वो आपके पास पहुंचती रहे नोटिफिकेशन, और आप नई नई रेसिपीज बनाते रहें। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम फ्रेश कॉर्न का सूप। बहुत बढ़िया सूप बना है और मैं तो बिल्कुल अभी पीने वाली हूँ। और पर आप रेसिपी देखिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम फ्रेश कॉर्न का सूप। हेलो, वेलकम टू एकता होम फूड्स। भाई आज ना हम बनाएंगे कॉर्न सूप। जब आप डाइट करते हो या आपको जैसे शाम को कभी हल्का खाने का मन करता है, तो जो सूप है इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको हल्का खाना है तो कुछ सूप बना लिया, साथ में ब्रेड टोस्ट बना लिए, उस तरह से जो है एक डिफरेंट तरीके का डिनर विनर भी हो जाता है और साथ में जो है आपके बॉडी में न्यूट्रिशन भी चला जाता है। तो ये आज हम बनाएंगे कॉर्न का सूप, जो नॉर्मल छल्ली भुट्टा जो हमको मार्केट में मिलता है जब सीजन में आता है, अदरवाइज भी कई जगह कोल्ड स्टोरेज वाला मिल जाता है, बट जो अगर आपके आते हैं सेल करते हैं, अगर आपको मिल जाए फ्रेश भुट्टा अपना इंडियन देसी भुट्टा, तो वो हमने लिया है। तो मैंने भी बस वही एक भुट्टा लिया। ये इसका भाई दाने वाने गायब हो गए। गायब इसलिए हो गए क्योंकि ये जो है इस भुट्टे को मैंने इस ग्रेटर से बिल्कुल अच्छे से ग्रेट करके इस तरह से एक कटोरी कर लिया। तो एक छल्ली जो है, एक भुट्टा जो है करीबन एक कटोरी इस तरह से ग्रेटेड हो जाता है, जैसे कुछ दाने रहते हैं और कुछ ग्रेटेड हो जाता है, इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। इसके साथ में मैंने लिया है 3 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर। ये आपका ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट डोंट यूज कॉर्नफ्लोर, इट्स फाइन। क्योंकि कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा क्या होता है, सूप का थोड़ा गाढ़ापन हो जाता है, मतलब उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है और गाढ़ा होता है और अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप डाइट वाइट कर रहे हैं तो मे बी यू कैन जस्ट अवॉइड दिस कॉर्नफ्लोर। इसको आप हटा सकते हैं, बिना कॉर्नफ्लोर के भी बना सकते हैं, पर फिर भी ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इनकेस एनीबडी लाइक, सो यू कैन ऑलवेज यूज इस कॉर्नफ्लोर में। मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर में, ये थोड़ा मैं जो है आधी कटोरी पानी डाल के इसको बाद में हम इसको घोल लेंगे। और ये मैंने 3-4 लहसुन छोटा छोटा कट कर लिया, चाहे आप ग्रेट कर लीजिए और पेस्ट ले लीजिए, जैसा आपको पसंद हो। बस 3-4 लहसुन की तुरियों का जो भी आपको एक्स्ट्रैक्ट चाहिए, जिस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाते लहसुन तो यू कैन जस्ट अवॉइड। थोड़ा सा धनिया मैंने ले लिया है क्योंकि मेरे पास था और मुझे पसंद है धनिया सूप में, मैंने लिया है। इसकी जगह आप स्प्रिंग अनियंस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर धनिया नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन इवन स्किप दैट। यू कैन ओनली मेक इट विद कॉर्न कॉर्न एंड थोड़े से हम जो सूखे मसाला, कुछ मसाला क्या ज्यादा नहीं डालता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ऐसे ही जस्ट फॉर अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ द सूप, नॉट द रेगुलर सूप एवरी टाइम वी हैव। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अगर आपको लाल मिर्च डालेंगे तो टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ये मैंने काली मिर्च भी ली है क्योंकि ज्यादातर काली मिर्च ही डालते हैं सूप में, बिकॉज उसका जो हेल्थ बेनिफिट है बहुत अच्छा होता है सूप में। सो मैंने ज्यादा जो है ये आधी चम्मच जो है काली मिर्च, वो भी फ्रेशली कूट के ली है, दरदरी सी कूटी है ये थोड़ी। अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप इसे कम कर दीजिए, मतलब आपके हिसाब से लीजिए। कईयों को काली मिर्च थोड़ी अच्छी लगती है जब गले में आती है, जब आप सूप पीते हैं तो इट टेस्ट गुड। तो ये इसलिए मैंने थोड़ी सी ये कुटी लाल मिर्च ले ली है, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शनल है, और ये काली मिर्च थोड़ी सी, और ये 1 चम्मच मैंने विनीगर लिया। बहुत ज्यादा इनको खट्टा नहीं करना होता सूप को, तो मैंने 1 चम्मच खाली विनीगर लिया है। मैंने सोया सॉस नहीं लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें सोया सॉस भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, बट आई हैव नॉट टेकन। और इसमें नमक स्वाद अनुसार करीबन आधा टीस्पून से 1 टीस्पून तक, जो स्वाद के हिसाब से आपने नमक इसमें डालना है। और ये 1 चम्मच बटर लिया है मैंने, ताकि जो हम लहसुन जो हमने लिया है, गार्लिक जो लिया है, इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे और बटर से जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सूप में। तो 1 छोटा चम्मच बटर इज ऑलवेज ओके टू ऐड टू द सूप, इट्स फाइन। सो और ये पानी जो है, ये पानी मेरा 400 ml का ये जो जार है, तो इसमें 400 ml मैंने लिया, जिसमें कि ये जो दो बोल भर के जो हमारे सूप बन जाते हैं आराम से, दो जनों के लिए बहुत बढ़िया सूप बनता है। अगर आपके छोटे बोल है तो 4 जनों के लिए, अगर आप पूरा पीना चाहते हैं तो प्लीज आपकी इच्छा है, आप पूरा पीजिए। तो ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में जिसमें कोई भी पैन जिसमें आप डालें यूज करेंगे, तो उसमें हम ये थोड़ा सा जो हमने 1 चम्मच बटर लिया, बट वो हम डालेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए बटर ना, यू कैन इवन अवॉइड बटर, बिना बटर के भी आप ये सारी चीजें डालिए, मतलब कॉर्न डालिए, मसाला मतलब काली मिर्च डालिए, लाल मिर्च डालिए, नमक डालिए, धनिया लहसुन डाल के उसको ही आप बॉयल कर सकते हैं। दैट ऑल्सो कैन बी अ गुड सूप विदाउट एनी ऑयल, बटर और वटएवर। ये बटर जैसे हो रहा है उसके पहले ही साथ ही मैं ना ये लहसुन डाल देती हूँ इसमें,
साथ साथ में ही हो जाएगा। बटर वैसे जल जाता है लेकिन तो इसलिए उसमें हम हमेशा थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि बटर जले ना, पर इसमें ठीक है, इट्स ओके, आई एम जस्ट डूइंग इट फास्ट, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही हमारा ये बटर देखिए मेल्ट हो रहा है, साथ ही साथ हमारा गार्लिक भी इसमें जो है रोस्ट हो जाता है। इसी के साथ ही मैंने क्या किया है, आई एम जस्ट एडिंग कॉर्न का जो भुट्टे का जो हमने ग्रेट किया हुआ है वो भी हमने इसी में डाल दिया। हल्का सा इसको जो है फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से क्या होता है, फ्राई मतलब बटर में थोड़ा रोस्ट करने से उसका एक फ्लेवर चेंज हो जाता है किसी चीज का, हल्का सा बटर उसके दानों में चला जाएगा, इट विल रियली टेस्ट वेरी गुड। तो इसको करीबन ज्यादा नहीं, बस एक मिनट आपने इसको रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं रोस्ट करना है, एक मिनट हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल होता है जब आप कोई भी डाइट कर रहे हो या फिर डाइट ना भी कर रहे हो, अदरवाइज भी सूप अच्छा लगता है। जब आप खाने से पहले थोड़ा सूप पी लेते हैं तो यू ऑलवेज टेंड टू हैव लेस ऑफ फूड जो आप खा रहे होते हैं रेगुलर खाना। तो सूप के बेनिफिट्स अपने होते हैं, पेट भी बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन भी होता है, प्लस आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाते हैं उसके बाद में, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं। यह बस करीबन एक मिनट हमने भून लिया है और इसमें मैंने जो है ये 400 ml वाला जो मैंने जार आपको दिखाया ये मैंने डाला है, थोड़ा सा पानी मैंने रख लिया है जो कि हम आप इसमें अपने कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डाल देंगे इसको एक कटोरी भर के, और इसको हम जो है अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है क्योंकि नीचे बैठ जाता है। अभी हम इसको नहीं डालेंगे, आई जस्ट वेट। तो ये जो बचा हुआ पानी है ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम जो है इसको थोड़ा और पानी अगर चाहिए तो आप और भी पानी डाल सकते हैं, बट जितना मैंने आपको बताया है एक कटोरी कॉर्न में आप करीबन 2 से 3 कटोरी सूप बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर मीडियम साइज के बोल हैं तो 4 कटोरी भी आराम से बन सकता है क्योंकि कॉर्न भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें हम जो है अपना पानी डाल दिया और अब मैं थोड़ा इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक थोड़ा डालती हूँ, अगर चाहिए तो हम बाद में फिर से डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं, आई विल सेव दिस काली मिर्ची बिकॉज अगर हाँ हुआ तो हम बाद में इसमें डाल लेंगे। अगर थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है, इसको हम जरा बॉईल होने देते हैं। अभी बॉईल इसलिए कि भाई इसके दाने जो है वो कच्चे नहीं रहने चाहिए, आपको कच्चा सूप नहीं चाहिए, आपको अच्छे से बॉईल होना, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। करीबन आपने इसको स्लो टू मीडियम हीट में या अगर फुल गैस भी है तो भी कोई बात नहीं, बस इतना देखें कि कच्चा ना रहे और पानी पूरा सूख ना जाए। पानी अगर आपको कम लग रहा हो तो यू कैन ऑलवेज ऐड सम मोर वाटर टू इट, मे बी 100 ml मोर वाटर, 100 to 150 ml, तो टोटल ऑफ मे बी 500 ml वाटर आप इसमें डाल सकते हैं एक कटोरी कॉर्न में, एक कटोरी ग्रेटेड कॉर्न में। तो इसको हम जरा बॉईल होने देते हैं, थोड़ा मैं ढक ही देती हूँ उसको ताकि ढक के जो है ये अच्छे तरह से पक जाएगा। स्लो टू मीडियम हीट करके इसको मैं करीबन 3-4 मिनट रख देती हूँ। ये ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हम इसको, मतलब 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, बाय 4 मिनट 5 मिनट मतलब ये जो कुक हो जाती हैं ये कॉर्न के दाने, ये जैसे ही अब कुक हो गए आपने इसको थोड़ा सा दाना जो है बाहर आप निकाल के एक प्लेट में यू कैन जस्ट चेक कि अगर ये कुक हो गया कि नहीं हुआ, अगर आपको कच्चा लग रहा है तो थोड़ा सा और पका दीजिए। तो लेकिन ये आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है, मे बी जब हम इसको कॉर्नफ्लोर डालेंगे उसके बाद भी थोड़ा और कुक होगा। तो अराउंड 4 to 5 मिनट्स आप इसको स्लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से बॉईल करिए, थोड़ा सा और पानी ऐड कर दीजिए ताकि जब बॉईल होता है तो पानी जो है थोड़ा इवोपरेट हो जाता है। और अब जो है इसमें मैं अपना विनीगर मैंने 1 चम्मच लिया था वो मैंने डाल दिया, बिल्कुल 1 टीस्पून डाला, बहुत ज्यादा नहीं डालना है आपने, नहीं तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है तो उसका जो है टेस्ट चेंज हो जाता है चीजों का, ना अपना टेस्ट नहीं रहता है। और अभी जो कॉर्नफ्लोर हमने लिया था वो भी, ये कॉर्नफ्लोर को हम फिर से, जब भी आप कॉर्नफ्लोर डालें अगर आपने पहले से पानी डाल के इसको रख दिया है तो जब भी आपने इसको सूप वगैरह में या किसी चीज में ऐड करना है तो ऑलवेज एक बार इसको थोड़ा आपने पूरा घुमा देना नीचे से अच्छे से तले तक इसको लगाते हुए चम्मच को, ताकि नीचे पाउडर पाउडर ना रह जाए। ये इस तरह से पूरा हो गया, इसको भी हम जो है इसी सूप में अपने ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जो इसकी है कंसिस्टेंसी हो जाएगी थोड़ी अब गाढ़ी गाढ़ी से, और इसको भी आपने थोड़ा पकाना है। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा लग रहा हो, थिक लग रहा हो तो आप उसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दीजिए, और अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए तो आप 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर की जगह 2 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिए, बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर है। एक दो बार बनाने से आपको समझ आ जाएगा कि कितना आपको रखना है। और अब जो है इसमें मैं डाल दूंगी अपना धनिया, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, ऐसे भी हेल्थ बेनिफिट होता ही है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ। इसी बहाने बच्चे या सब लोग खा लेते हैं ऐसी चीज़ें, और अच्छा भी दिखता है, येलो कॉर्न और हरा धनिया रियली लुक्स गुड ऑल्सो।
हरा और पीला का तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है ना। तो ये लीजिए भाई, इसको हमने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है कम से कम 2 मिनट तो जरूर पकाना है, और उसके बाद हमारा जो है कॉर्न सूप बन के बढ़िया सा रेडी। ये लीजिए भाई, बढ़िया हमारा कॉर्न सूप रेडी है। ये मैंने ना व्हाइट सॉस बना के नहीं बनाया, अगर इसका आप व्हाइट सॉस बना के भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको एक दिन रेसिपी बना के दिखाती हूँ कि व्हाइट सॉस में भी इसको बना सकते हैं, पर ये हमने विदाउट व्हाइट सॉस बनाया है। और इसमें अगर आपको इस समय लगे नमक चेक कर लीजिए, वैसे तो जितना मैंने डाला बिल्कुल बढ़िया है, और काली मिर्च अगर आपको थोड़ी और चाहिए तो आप इस समय इसमें और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो आप जो है हम इसको अपने सूप बोल्स में ट्रांसफर करेंगे। ये सूप बोल्स हमने ले लिए, तो ये हमने जो है सूप बोल्स में डाल दिया सूप। देख सकते हैं 2 बोल भर के बढ़िया सा जो है ये सूप बन जाता है, और ये फ्रेश कॉर्न का सूप है। 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में, बहुत आसान होता है बनाना। तो आप भी इसको जरूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगती हैं ये मेरी रेसिपीज, सो दैट मैं आपके लिए और नई नई रेसिपीज लाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, स्टे सेफ, बी हैप्पी, कीप कुकिंग।